हेलो एवरीवन, इग्नू से शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है। परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर, कोई एग्जाम नहीं होगा, मात्र इंटरव्यू रहने वाला है। सैलरी यहां पर 80,000 से लेकर 1,44,000 तक आपको मिलेगी। बाकी चीजें डिटेल में हम एडवर्टीजमेंट में देखेंगे इग्नू की मेन वेबसाइट पर जाकर। इग्नू की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसकी मेन वेबसाइट पर जो है एडवर्टीजमेंट अप्लाई करने का ऑप्शन, सभी जो है आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। सबसे पहले जो है पद का जो नाम है, प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, एसोसिएट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। तो सबसे नंबर वन पर जो है एडवर्टीजमेंट आप ओपन करेंगे तो आपको कंप्लीट जो है जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन अलग अलग दी हुई है, पोस्ट ऑफ प्रोफेसर की, पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप जिस के लिए भी अप्लाई करना चाहेंगे तो लास्ट में ऑप्शन दिया है डायरेक्ट यूआरएल फॉर टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन पोर्टल लिंक, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को अप्लाई करना रहेगा। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट। तो यहां पर देखें, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है ये 15/10/2023 को, 15 अक्टूबर 2023 को एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन वेरियस स्कूल ऑफ स्टडीज। तो यहां पर स्कूल के नाम है, यहां पर सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वैकेंसी है और रिजर्वेशन स्टेटस है। तो सबसे पहले जो है प्रोफेसर की जो सैलरी रहेगी, एकेडमिक लेवल 14 of 7 CPC, 1,44,200 बेसिक पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है 2,18,200 तक। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक रहेगी, यानी कि 1,50,000 तक जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है यहाँ पर 57,700 बेसिक पे रहेगी और 1,82,400 यानी कि 80,000 के लगभग जो है यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। नेम ऑफ स्कूल, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में जो वैकेंसी है प्रोफेसर की, तो इंग्लिश की एक पोस्ट है, उर्दू की एक पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर की इंग्लिश की एक पोस्ट है और उर्दू की एक पोस्ट है। और ये भी जो है रिजर्व है, जैसे कि इंग्लिश की जो एक पोस्ट है वो PWBD प्रोफेसर की है और उर्दू में जो है ST कैटेगरी की है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में इंग्लिश की एक है, अनरिजर्व कैटेगरी की, एक SC की है और एक OBC की है। दूसरा जो स्कूल है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है और सोशियोलॉजी में एक OBC कैटेगरी की प्रोफेसर के लिए है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी की, PWBD की एक वैकेंसी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक वैकेंसी ST कैटेगरी की है एसोसिएट प्रोफेसर में। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में भी कोई वैकेंसी नहीं है और स्कूल ऑफ सोशल साइंस में भी कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद जो है स्कूल ऑफ साइंस, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की एक है ST कैटेगरी के लिए, केमिस्ट्री की एक है, मैथमेटिक्स की एक है, फिजिक्स की एक है, स्टैटिस्टिक की एक है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है और लेकिन यहाँ पर इनको वैकेंसी जो है वो काफ़ी निकालनी चाहिए थी, बट जो भी है वो आपके सामने है। एसोसिएट प्रोफेसर की बायोकेमिस्ट्री की एक है जो कि ST कैटेगरी के लिए है, जूलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक है PWBD के लिए। नेक्स्ट स्कूल है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, तो यहाँ पर जो है अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसी है, नर्सिंग की एक है। एसोसिएट प्रोफेसर में हेल्थ साइंस की एक वैकेंसी है OBC की और यहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी नहीं है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में जो है यहां प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी वैकेंसी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में है यहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन की एक है, वो भी OBC के लिए रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्कूल है स्कूल ऑफ लॉ, तो लॉ की एक वैकेंसी यहां पर है और ये वैकेंसी जो है किस पोस्ट की है, प्रोफेसर की। नेक्स्ट जो है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज की वैकेंसी है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखें 10th नंबर पर आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज में इन्वायरमेंटल स्टडीज की एक वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए है और इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए SC कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है किस पोस्ट की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर OBC के लिए रिजर्व है। स्कूल ऑफ सोशल वर्क में जो है एक है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और यहाँ पर OBC के लिए सोशल वर्क में है और यहाँ पर कोई नहीं है। इस तरीके से जो है ये वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्कूल ऑफ फॉरन लैंग्वेज में और देख सकते हैं स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में, तो ये वैकेंसी है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल अलग से दिया हुआ है हर पोस्ट के लिए, जो कि मैंने आपको बताया है 15/10/2023
23 को जो है ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन, ओपन हो गया, और लास्ट डेट जो है 15 नवंबर रहने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है, अप्लाई का ऑप्शन जो है जहां एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगा वहीं पर नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो जैसे क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग हैं, पोस्ट ऑफ प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो एक जो है वो ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है, तो क्या मांगा गया है यहाँ पर, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, नेट या CSIR जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नहीं है, आप PhD डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका PhD जो है रजिस्टर्ड है जुलाई 11, 2009 तक, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और उसके लिए जो है यहाँ पर जो 5 कंडीशन है इसे आप देख लेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन है, जिन्होंने PhD डिग्री हासिल की है फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और जो कि 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आ रहे हैं ऐसी यूनिवर्सिटी, तो वह भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ एग्जाम नहीं होगा, सिलेक्शन जो है आपका परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS के लिए 500 है, कोई फीस नहीं है SC ST PWD कैटेगरी के लिए। आप लोगों को कैसे जो है एडवर्टीजमेंट मिलेगी, सबसे पहले जो है इग्नू की मेन वेबसाइट पर आना है आप लोगों को। मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप लोग देख सकें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये मेन वेबसाइट का होम पेज है, सबसे नीचे आपको आना है, यहाँ पर लिखा है Job@IGNOU, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोगों ने इस पर क्लिक किया, आपके सामने एडवर्टीजमेंट आ गया, लेटेस्ट जितने भी हैं, तो एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट सबसे ऊपर ही दिया गया है, 14 अक्टूबर 2023 यहाँ पर लिखा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और ये देखिए आपके सामने आ जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है वो आप चेक करें, यदि आप इनको जो है फुलफिल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लास्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसी तरीके से जॉब से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है टीचिंग लाइन से जुड़ी, वो सभी आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, यदि आपके काम की है तो आप अप्लाई करें। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में जो है उनके काम की रही हो, या फिर आपके रिलेशन में किसी के काम की हो, तो उनको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।